उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को अंबेडकर नगर में गुरुवार को काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। वे जिले को विकास की सौगात देने आए थे। इस मौके पर जनसभा का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें लाई गई भीड़ को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ और ही कहकर बुला लिया था। भीड़ ने जब असली स्थिति को जाना तो वह पंडाल छोड़कर चले गए। भाजपा कार्यकर्ता भीड़ को रोकने का प्रयास करते रहे और डिप्टी सीएम का संबोधन चलता रहा। कुछ ही देर में पंडाल खाली कुर्सियां नजर आने लगी। अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कार्यक्रम था। विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं को लेकर आए डिप्टी सीएम ने जैसे ही कार्यक्रम में अपना संबोधन शुरू किया, वैसे ही पंडाल की कुर्सियां खाली होने लगी। देखते ही देखते भीड़ गायब हो गई। प्रशासन और भाजपा के लोगों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल सकी। वहीं कुर्सियां खाली होने के बाद डिप्टी सीएम ने अपना संबोधन जारी रखा। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। हालांकि डिप्टी सीएम के संबोधन शुरू होते ही महिलाओं ने सभा स्थल से निकलना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं कुर्सियों को खाली कर निकल गई। महिलाओं को कार्यक्रम से बाहर जाता देख अन्य लोग भी कार्यक्रम से चले गए। इससे घटना ने क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की खूब किरकिरी कराई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के कार्यक्रम में भाग लेने आई महिलाओं का कहना था कि उनके समूह की बैठक के लिए बुलाया गया था। महिलाओं ने बताया कि ब्लॉक से बताया गया था कि यहां समूह की बैठक है, हम लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने की बात कही गई, यहां कुछ नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है कि जब अच्छा नहीं लगेगा तो लोग जाएंगे ही, इसलिए लोग छोड़कर चले गए। दरअसल राजनीतिक भाषण शुरू होते ही महिलाओं ने वहां से निकलना शुरू कर दिया था। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी लोगों को आक्रांताओं का साथ देने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रदेश का विकास हो रहा है। हमारी सरकार में गरीबों का कल्याण हुआ है, प्रधानमंत्री आवास हो या फिर उज्ज्वला योजना, सबको लाभ मिला है।